एवरीवन वेलकम द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई ग्रेड ट्वेल्थ फिल्मिंगो बुक के सिक्स चैप्टर पोएट एंड पैनकेक्स को जिसके ऑथर हैं अशोका मित्र तो स्टोरी का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ जो अशोका मित्रन है उनके फादर के फ्रेंड थे एस एस वासन जो कि एक फिल्म डायरेक्टर थे और वो ओनर थे 10 years, मतलब, एक से वहाँ पे काम किया था तो इस स्टोरी में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं एक है एस एस वासन जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है और ओनर है जेमिनाय स्टूडियो के और सेकेंड है मंगलम सुबू जो कि नंबर टू है इस पूरे ऑफिस के अंदर अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट और कैरेक्टर्स जैसे कि ऑफिस बॉय जो मेकअप करते थे जो प्लेयर्स थे जो क्राउड में एक्ट करते थे उन लोगों का एस एस वासन फाउंडर थे एमआरए का नाम आएगा जिसका मतलब है मॉरल री आर्मामेंट आर्मी एक काउंटर मूवमेंट थी जो कि अपोज कर रही थी इंटरनेशनल कम्युनिज्म को उसके बाद इस स्टूडियो में काम करते थे एक लीगल एडवाइजर एक ऑफिशियल एनरोल थे जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टोरी में काम करते थे स्टोरी डिपार्टमेंट में कि जो स्टोरीज है वो ठीक लिखी जा रही हैं हर एंगल से एक इंग्लिश मैन का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है जिसका मतलब है यहाँ पर बात की गई है स्टीफन स्पेंडर की जो कि एक इंग्लिश के पोएट थे और एसेस थे सुबह जो थे वो नंबर टू थे जेमना स्टूडियो में और बहुत क्लोज थे और बहुत लॉयल थे बॉस को मिस्टर वासन को फिर हरेंद्र नाथ जो है वो एक पोएट है फिर बात की गई है फ्रैंक बचमेन की जो कि एक अमेरिकन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट इवेंजुलिस्ट होते हैं जो कि आपको क्रिश्चियनिटी में बदलते हैं जिन्होंने बनाया था हो फाउंडेड ऑक्सफर्ड ग्रुप नोन एज मॉरल री आर्मी जो कि 1938 से लेके 2001 तक काम कर रहे थे उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर कुछ प्लेसेस का जिक्र किया गया जैसे मैंने आपको बताया जेमिनाई स्टूडियो ये एक इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में जो कि चल रही थी 1940 से तो आज की डेट में ये चेन्नई में सिचुएटेड है और इसके ओनर है एस वासन दूसरा है जो मैथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर ये प्लेज हैं जो प्रेजेंट किए थे एमआरएन ने और तीसरी चीज है दी एनकाउंटर ये एक ब्रिटिश पीरियोडिकल है इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर फ्रेजेस यूज किए गए हैं जैसे ब्लू ओवर ब्लू ओवर का मतलब पास्ट ओवर विदाउट डूइंग मच हार्म मतलब कुछ निकल गया ज्यादा हार्म नहीं किया कैटापोल्टेड इनटू इसका मतलब थ्रोन अप प्लेड इनटू देयर हैंड्स का मतलब एक्टेड एज देयर कमांडेड मतलब जैसे जैसे किसी ने कमांड किया वैसे ही उनके इशारों पे नाचे हर्ड अ बेल रिंगिंग मतलब गॉट अ वार्निंग सिग्नल was struck dumb मतलब स्टंड हो गया कोई इंसान हक्का बक्का हो गया स्पीचलेस हो गया अ कोट ऑफ मेल इसका मतलब क्या होता है एक आर्मर होता है एक तरीके का मेटल आर्मर होता है जो लोग पहनते हैं ऊपर वाले हिस्से में बॉडी के जब वो जंग में जाते हैं द फेवरेट हॉर्न का मतलब एक वो वाली जगह जिसे रेगुलरली आप विजिट करते हो अब बात करते हैं इस चैप्टर की थीम के बारे में तो जो थीम है स्टोरी की वो रिवॉल्व करती है अराउंड कास्टिज्म जो कि एग्जिस्ट करता था अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में मतलब आप कह सकते हैं 1900 से लेके 1950 जब तक इंडिया आजाद नहीं हो गया और ये ये दिखाता है कि जो कास्ट सिस्टम था उसने अपर क्लास लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि वो अपने आप में सुपीरियर हैं। जैसे इस स्टोरी में कैरेक्टर है सुबू वो भी यही रिफ्लेक्ट करते हैं अगर बात की जाए स्टोरी के टाइटल की तो ये बताता है कि जो उस टाइम पे जेमिनी स्टूडियो था वो अपनी ग्लोरी के ईयर्स में था बहुत अच्छे से चल रहा था जो पोइट्स एंड पैन इसका टाइटल है उसमें पोइट्स जो हैं वो रेफर करते हैं स्क्रिप्ट राइटर्स को जो स्टूडियो में थे और जो पैन है वो रेफर करता है एक मेकअप ब्रांड जो उस टाइम पे यूज किया जाता था तो इस तरीके से वो जेमेना स्टूडियो से रिलेटेड है तो पैन के एक बेसिकली मेकअप मटेरियल था हम कह सकते हैं जो जेमेना स्टूडियो में यूज किया जाता था वहां पर एक ना जेमेना स्टूडियो में स्ट्रिक्ट हाई थी जो मेकअप डिपार्टमेंट में फॉलो की जाती थी कि जैसे Uh, हर किसी का अपना एक सीनियर था तो जो चीफ मेकअप मैन थे वो अटेंड करते थे सिर्फ चीफ एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को जो उनके सीनियर असिस्टेंट थे वो सेकंड हीरो को या हीरोइन को मेकअप करने में असिस्ट करते थे जो जूनियर असिस्टेंट थे या मेन कॉमेडियन थे ऐसे करके धीरे-धीरे करके हायरार्की में उनका मेकअप किया जाता था तो चलिए अब एक बार इसकी समरी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं मैंने आपको बताया कि जो पैनकेक है टाइटल में जो वर्ड है वो बेसिकली एक मेकअप ब्रांड का नाम है जो जेमना स्टूडियो में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता था बहुत पॉपुलर ब्रांड है जो यूज किया जाता था सेलिब्रिटीज के द्वारा जैसे मिस गौहर ग्रीता गार्बो या फिर वेजंती माला के द्वारा तो जो राइटर हैं वो ये बोलते हैं कि एक और एक्ट्रेस थी जिनका नाम था रति अग्निहोत्री वो शायद उन्होंने इस मेकअप ब्रांड के बारे में कुछ नहीं सुना होगा क्योंकि वो इंडस्ट्री में लेटर स्टेज पे आई थी तब ये जो ब्रांड था पैनकेक्स ये यूज में नहीं था तो जो लेसन है वो शुरू होता है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के के साथ जिसमें मेकअप रूम बारे में बात की गई है जो जेमिना स्टूडियो में था वो बेसिकली बिल्डिंग के एक हायर लेवल एक हायर फ्लोर पे सिचुएटेड था उस प्लेस को माना जाता है कि पहले वो रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल थे स्टेबल एक वो वाली जगह होती है जहां पर घोड़े रखे जाते हैं तो वहां पर मेकअप किया जाता था दूसरी चीज जिन आर्टिस्ट का मैंने नाम लिया जैसे ग्रीता गेब्रो ये एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी और इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम है फॉर बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन हु एवर लिव्ड वैसे ही विजयती माला वो एक इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया था बहुत फेमस मूवीज में और उनको तीन बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला अब वो पॉलिटिशियन के तौर पर काम कर रही थी फिर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो एक थे, एक इंग्लिश थे, थे स्टेट्समैन मतलब पॉलिटिकल लीडर आप कह सकते हैं जो एक्सपैंड कर रहे थे ब्रिटिश पावर को इंडिया के अंदर ऐसे ही शहर में बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की गई थी जो कि रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस माना जाता है जिससे ये प्रूव होता है कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली मूव करते थे ये भी बोला जाता है कि उन्होंने कुछ इम्पॉसिबल बैटल्स लड़ी थी इम्पॉसिबल बैटल्स इसलिए कि उनका जीतना बहुत मुश्किल था उन्होंने रिमोट एरियाज में वो बैटल्स लड़ी थी और उनकी शादी एक बहुत यंग एज में हो गई थी इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में है आज की डेट में वो चेन्नई है तो चलिए एक बार मेकअप रूम के बारे में बात कर देते हैं तो मेकअप रूम एक सेलोन जैसा लगता था जिसमें बड़े बड़े छ सात थे जिनके आसपास बड़े बड़े लार्ज बल्ब थे तो जो वो ब्राइट लाइट्स थी जो उन बल्ब से निकलती थी उसको हम बोल सकते हैं इनकैंडिसेंट लाइट्स मतलब इतनी ज्यादा लाइट निकलती थी जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती थी ऐसे बर्निंग सी आती थी बहुत ज्यादा हीट बहुत ज्यादा लाइट आती जिसकी वजह से जो मेकअप करवा रहा होता है उसकी आंखों में डिसकम्फर्ट होता था तो सबसे पहले बंगाली जो थे एक वो हेड थे इस मेकअप स्टूडियो के पर उसके बाद वो काफी आगे प्रोग्रेस कर चुके थे ही आउट ग्रू जेमना स्टूडियो मतलब उनकी तरक्की हो चुकी थी और वो और अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ से निकल चुके थे उनके बाद इट वॉज सुपरवाइज बाय महाराष्ट्र जिन्होंने चार्ज में लिया जिनको असिस्ट किया था धारवाड़ कर्नाटिका ने एक आंध्र ने मद्रास इंडियन क्रिश्चियन ने एंग्लो बर्मीज ने और कुछ लोकल तमिल्स ने तो ये चीज ये रिफ्लेक्ट करती है ये फैक्ट रिफ्लेक्ट करती है जो लोग थे वो अलग अलग कल्चर अलग अलग रिलीजन के इकट्ठे वर्क कर रहे थे और ये चीज हमें देखने को मिल गई थी मतलब आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस होने से काफी देर पहले तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंटीग्रेशन था वो उन्होंने पहले ही प्रूफ दे दिया था उसका ये ये भी दिखाता है कि जो इंडियंस थे वो हमेशा से यूनाइटेड थे इवन बिफोर दूरदर्शन आया या ऑल इंडिया रेडियो ने ये यूनाइटेड होने का रेज किया तो so, जो ऑथर है वो मेंशन करते हैं कि इनकी जो टीम थी वो नेशनली यूनिफाइड मेन की थी यानी कि अ गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मेन थे वहां पर जिनकी एबिलिटी ये थी कि वो एक सिंपल लुकिंग इंडिविजुअल को एक अगली क्रीचर में चेंज कर सकते हैं अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा यानी हीप्स ऑफ पैनकेक प्रोडक्ट्स लगा दिए जाए कस्टमाइज लगा दिए जाए या फिर एक लिक्विड मिक्सचर होता है जिसे पोस्ट बोलते हैं वो लगा दिया जाए उन दिनों में नियर अबाउट फाइव परसेंट जो मूवीज थी वो उनकी शूटिंग आउटडोर होती थी बाकी सब मूवीज की शूटिंग इनडोर होती थी तो ये जो इनडोर शूटिंग होती थी इसका सेटअप ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा लाइट्स की जरूरत होती थी एक्टर्स को बहुत ज्यादा मेकअप पहनने की जरूरत होती थी ताकि वो कैमरे के सामने प्रेजेंटेबल लग सके और इवन अगर वो रियल लाइफ में अगली लगते हैं बट कैमरे के सामने उनको अच्छा लगना होता था तो जैसे ही एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी इस मेकअप स्टूडियो में एक हाईआर की थी एक सिस्टम जिसमें जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो रैंक होता है उनका अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस अकॉर्डिंग टू देयर अथॉरिटी जैसे मैं आपको बताऊं जो चीफ मेकअप मैन थे वो मेकअप करते थे लीड एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को अगली करने के लिए यहां पर ऑथर ने एक ह्यूमरस स्टोरी इसलिए यूज की है कि उनको अगली बनाते थे क्योंकि मेकअप जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑथर उनको ये लगता है कि आपकी नेचुरल ब्यूटी आपसे छीन लेता है और एक इंसान को अगली लुक दे देता है और वैसे ही जो सीनियर असिस्टेंट थे वो सेकंड हीरो hero और हीरोइन को असिस्ट करते थे जो जूनियर असिस्टेंट थे वो मेन कॉमेडियन को हेल्प करते थे और जो ऑफिस बॉय है वो हेल्प करते थे बाकी का जो क्राउड है बैक स्टेज पे जो एक्टर्स हैं उनको अगली करने में क्योंकि जब क्राउड शूटिंग होती है क्राउड शूटिंग मतलब आप कह सकते हैं बहुत सारे लोग ग्रुप में शूटिंग कर रहे होते हैं वहां पर हमारा जो ऑफिस का बॉय था वो हेल्प करता था तो जिन दिनों में क्राउड शूटिंग हो रही होती थी उस टाइम पे तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक पेंट तैयार किया जाता था जो स्लैब किया जाता था क्राउड प्लेयर्स के ऊपर इतना ज्यादा मेकअप की जरूरत होती थी बेसिकली ये होता था कि जो पोर है उनके यहाँ पर फेस पे पोर्स है वो मेकअप से छुप जाए क्योंकि इतना मेकअप लगाना जरूरी होता था तो पूरा आइडिया यही था कि हर चीज छुप जाए ब्लेमिशेस छुप जाए फेस पे ताकि वो स्क्रीन पे लगे। तो ये जो fact था कि कितना बड़ा साइज होगा जेमिनाई स्टूडियो का जो ऑफिस बॉय था जेमेनाय स्टूडियो का वो बेसिकली बोलते हम उसे बॉय थे पर वो एक बॉय नहीं था वो मैन थान हिज अर्ली फोर्टीज और वो पोएट्री करते थे जैसे स्टूडियो में मिलियंस ऑफ लोग करते होंगे पर और उन्होंने स्टूडियो को इसीलिए ज्वाइन किया था कि किसी दिन मैं भी एक्टर बनूंगा डायरेक्टर बनूंगा स्क्रीन राइटर बनूंगा या लिरिसिस्ट बनूंगा जो ड्यूटी थी अशोक मित्रन की जेमनाई स्टूडियो में वो ये थी कि उनको कट करने थे न्यूज क्लिपिंग्स जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते थे और उनको ना स्टोर करके रखना था उनको फाइल्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते थे ताकि उनके ऊपर मूवीज बन सके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे जिनको काटा नहीं जा सकता था उनको हाथ से लिखना पड़ता था और उनको ये काम करने के लिए एक छोटा सा रूम दिया गया था एक क्यूबिकल दिया गया था जिसके अंदर बेसिकली आप काम कर सकते हो लेकिन उनके क्यूबिकल में प्रॉब्लम ये थी कि उनके दो साइड पे फ्रेंच विंडोज थी मतलब ऐसी जिसमें आप सी थ्रू कर सकते हो देख सकते हो कि दूसरा इंसान क्या काम कर रहा है तो अगर बात की जाए उनकी नेचर ऑफ जॉब की ज्यादातर लोगों को यही लगता था कि वो एक बहुत इनसिग्निफिकेंट सा काम कर रहे हैं और उनको ये लगता था कि उनके बॉस को भी यही लगता होगा कि वो कोई काम तो कर नहीं रहे तो इसीलिए लोग आके ना इंसेंटिव लेते थे कि देखो मतलब तुम कुछ काम करो कुछ रियल काम करो इवन जो ऑफिस बॉय है वो अंदर आ जाता था अपने व्यूज शेयर करता था कि कैसे उसका जो पोएट्रिक टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है इस मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर तो उससे बचने के लिए अशोका मित्रन प्रे करते थे कि हे hey, भगवान क्राउड शूटिंग हो जाए जिससे ये मेकअप थोपने पे ही बिजी हो जाए यही एक जरिया था जिससे वो ऑफिस बॉय को बिजी रख सकते थे और अपना काम पे फोकस कर सकते थे तो जो लड़का था जो मेकअप डिपार्टमेंट में काम कर रहा था वो बहुत बेहतरीन तरीके से वेल well कन्विंस था कि जो मेन रीजन है उसकी मिजरी का उसके डिस्ट्रेस का उसकी प्रॉब्लम्स या इग्निमनी का मतलब पब्लिक शेम या डिसग्रेस का वो थे कोथा मंगलम सुबु सुबु जो थे वो नंबर टू थे स्टूडियो में आफ्टर मिस्टर वासन क्योंकि वो प्रिविलेज्ड इनफ थे कि उनको बेटर ओपनिंग मिली फिल्म्स के अंदर एज कंपेयर टू वो मेकअप मैन उनको लगता था वो मेकअप मैन को ये लगता था कि वो लेस एडुकेटेड है वो पहले लाइन में लगे हुए थे और उन्होंने काफी स्ट्रगल किया पर सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि जो सुबू थे वो एक ब्राह्मण थे जिसको बाय वर्च्यू कंसिडर किया जाता था कि यू you नो know, अब तो क्योंकि आप ब्राह्मण हो तो आप वेल well ऑफ लोगों की लाइन में आओगे आप कंफर्टेबल सिचुएशन में अपनी लाइफ व्यतीत करोगे हालांकि सुबू बहुत चेयरफुल मैन थे वो इतनी कैपेसिटी रखते थे कि दूसरे के फेस पे वो हंसी ला सके और अपने फेस पे भी इवन अगर उनकी मूवीज अच्छा ना करें तो सुबो इसके अलावा एक बहुत रिसोर्सफुल मैन भी थे मतलब उनके पास हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ काम करने के लिए होता था हालांकि अगर उनकी बात की जाए तो वो खुद कई बार बुरे थे कुछ काम करने के अगर वो उनको खुद करना पड़ता था मतलब अपने आप को नहीं वो दे सकते थे लेकिन उनकी बहुत ज्यादा लॉयल्टी थी टुवर्ड्स हिज हेड मतलब उनकी जो लॉयल्टी थी उनके हेड उनके प्रिंसिपल की तरफ हेड या प्रिंसिपल मतलब अपने बॉस की तरफ

वो मार देती है एक टाइग्रेस को अंडर वाटर पर उसके बाद जो कब्ज हैं उनको बहुत सिंपती के साथ बाहर निकालती है उनका ध्यान रखती है तो सुबह ने उसको इनेक्ट करने के लिए चार या उससे ज्यादा जो है तरीके बताए पर जब डायरेक्टर कन्विंस नहीं हुए तो वो चौदह और तरीके लेकर आए कि किस तरीके से हम इसे इनेक्ट कर सकते हैं एक मिनट के अंदर अंदर तो सुबह कुड कम आउट विथ फोर वेज ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग गुड आई एम नॉट श्योर इफ इट्स इफेक्टिव इनफ जब ये आंसर आता था द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुबू वुड कम आउट विद फोर्टीन मोर ऑल्टर वो इतने टैलेंटेड थे अब क्योंकि सुबू इतने टैलेंटेड थे इतने रिसोर्सफुल थे तो जब वो आसपास होते थे उस टाइम पे फिल्म मेकिंग काफी एक ईजी टास्क हो जाता था वो अकेले थे जिन्होंने जेमिना स्टूडियो को एक यूनिक आइडेंटिटी दी थी ना केवल ये बल्कि वो एक बहुत अच्छे पोएट भी थे वो पोएट्री में भी बहुत अच्छे थे हालांकि उनके पास ये प्रिविलेज था कि वो पोएट्री में अपना नाम कमा सकें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ले सके पर फिर भी उन्होंने ये चूज किया कि वो जो रिसाइट करेंगे वो अपने पर्सनल मासेस को रिसाइट करेंगे और लिमिटेड ऑडियंस रखेंगे और उनके जो क्रिटिक्स थे उनका ओपिनियन ये था कि उनके पोएटिक स्किल्स जो हैं वो ओवर शेडो कर देंगे उनकी एक्सेलेंट फिल्म मेकिंग स्किल्स को मतलब उनका जो सक्सेस था फिल्म में वो ओवरशेडो हो रहा था उनकी लिटरी अचीवमेंट्स के द्वारा तो ऐसा उनके क्रिटिक्स को लगता था तो बेसिकली ये कहना था कि उनका सक्सेस फिल्म्स के अंदर ओवर कर रहा है और ड्राफ्ट कर रहा है ड्राफ्ट का मतलब छोटा कर रहा है उनके लिटरी अचीवमेंट्स को उनके क्रिटिक्स को ये लगता था तो उन्होंने बहुत सारी फोक मतलब कल्चरल पोम्स शॉर्ट पोम्स कंपोज की थी और एक स्प्रोलिंग का मतलब डिटेल्ड नॉवल दी थी थिलाना मोहना बल जिसके अंदर ब्यूटिफुली क्यूरेटेड कैरेक्टर्स थे और उन्होंने रिक्रिएट किया था द मूड और मैनर ऑफ देवदासीज जो एग्जिस्ट कर रहे थे ट्वेंटी सेंचुरी में मैं आपको बता देती हूँ जो देवदासीज है इन साउथ इंडिया देवदासी एक लड़की होती है जो डेडिकेटेड होती है वर्शिप करने के लिए भगवान की अपनी पूरी जिंदगी उसने भगवान को स्थापित की होती है तो ये जो सिस्टम है उसको बाद में इंडिया में खत्म कर दिया गया था इन 1988 पहले वो लड़की की शादी भगवान से ही कर दी जाती थी और वो मंदिर में ही रहती थी तो ये था पार्ट वन स्टोरी का अब हम पार्ट टू नेक्स्ट क्लास में करेंगे बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसी